आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, नए पोर्टल से आईटीआर 1 और आईटीआर 4 कैसे फाइल करते हैं इस वीडियो में सीखेंगे। सर नया पोर्टल तो चल ही नहीं रहा, कोशिश करते हैं भैया अगर चल जाएगा तो हम सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, लॉगिन करना है, लेकिन साइट का एड्रेस नोट कर ले, incometax.gov.in। ये अब हमारी नई साइट हो गई है। अब इस पर लॉगिन करने के लिए इतिहास में पहली बार हुआ है कि लॉगिन करने के लिए आप पैन नंबर के साथ साथ अपना आधार नंबर भी डाल सकते हैं। आप आधार नंबर डालकर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि आप यहाँ पर आधार नंबर से भी कैसे लॉगिन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपना ये आधार नंबर डाल दिया है, अब इसके बाद मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। आधार नंबर डालने के बाद भी यहाँ पर देखो एक मैसेज आ रहा है, ठीक है, सिक्योर्ड एक्सेस मैसेज, आई लव टीचिंग, ये मैंने डाला है, मैं आपको बताऊंगा कैसे डाला है। इसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है लॉगिन कैसे करना है, पासवर्ड से करना है या ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर से। मैंने कहा पासवर्ड से ही कर लेते हैं, पासवर्ड मैंने डाल दिया, पासवर्ड मैंने डाल दिया और अब मैं इसमें लॉगिन कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर लॉगिन करने के साथ साथ अब ये मेरे से पूछ रहा है लॉगिन यूजिंग ओटीपी। जब मैंने पासवर्ड से लॉगिन करा तो ये ओटीपी क्यों पूछ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपने अकाउंट में एक एडिशनल सिक्योरिटी लगा रखी है कि बिना ओटीपी के ये मेरा कभी भी लॉगिन ना हो। तो ये मैंने एडिशनल सिक्योरिटी कैसे लगाई है वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप भी उसे लगा सकते हैं। अब आपने देखा है कि मैंने यहाँ पर आधार ओटीपी लगाया है, ठीक है ना, तो आधार ओटीपी लगाया है तो मेरे पास ये आधार ओटीपी आ गया, मैं यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि लॉगिन करते समय आप यहाँ पर डबल सिक्योरिटी भी लगा सकते हो, जो मैंने अपने केस में लगाई है। अब हम इसमें आगे चल के आईटीआर 1 को फाइल करना देखेंगे। अब ये हमारा पोर्टल खुल गया। सर आप बता तो दो आपने कैसे लगाया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने एडिशनल सिक्योरिटी कैसे लगाई है। अपडेट प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पर ये भी हमारा एक्सेस डिनाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि पोर्टल प्रॉपर नहीं चल रहा है। एक बार देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो मैं बाद में आपको बता दूंगा। ई फाइल में जाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पर आ रहा है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपसे ये आपके दो फॉर्म पूछता है कि कौन से ईयर के लिए करना है। तो ईयर इसने अपने आप ही बता दिया, करंट असेसमेंट ईयर। हमने कहा ठीक है जी, करंट असेसमेंट ईयर के लिए हमें अपनी रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है। इसके बाद इसे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये पूछ रहा है ऑनलाइन फाइल करनी है या ऑफलाइन। ऑफलाइन के लिए आपको यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी। कहाँ से यूटिलिटी डाउनलोड करोगे, यहाँ पर डाउनलोड सेशन में से, अदरवाइज आप ऑनलाइन पे भी क्लिक कर सकते हैं। ऑनलाइन हमने कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये पहले दिखा रहा है कि ITR 4 आपने पहले फाइल करी हुई है, मतलब कि भर रखी है, उसी को रिज्यूम करना है क्या, नई रिटर्न स्टार्ट करना है। हमने कहा नहीं भैया, नई से स्टार्टिंग करेंगे, स्टार्ट न्यू रिटर्न। ये कह रहा है कि तुम इंडिविजुअल हो, प्रोसीड करना चाहोगे। मैंने कहा यस। इसने कहा कि कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करना है, तो हमने प्रोसीड विद ITR 1 क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर इसने हमें क्या बोला कि भाई आप ITR 1 अगर भरने जा रहे हो, कुछ चीज़ों की तैयारी कर लो। आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए, सैलरी का सर्टिफिकेट, HRA की रिसिप्ट होनी चाहिए, LIC वगैरह होनी चाहिए, और कुछ इसने फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप ये FAQ पढ़ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसने ITR 1 फॉर्म हमें क्लियर बता दिया कि ITR 1 फॉर्म सिर्फ सैलरी वालों के लिए है, और उस व्यक्ति की सैलरी जिसकी इनकम अप टू ₹50 लाख है। तो अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तब आप ITR 1 भरना। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपकी सैलरी 15 लाख रुपए है और आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, तो फिर आपको ITR 1 फॉर्म नहीं भरना है। ITR 1 फॉर्म वही व्यक्ति भर सकता है जिसकी अप टू 50 लाख सैलरी है और वो किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है। तो अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप ये वाला फॉर्म नहीं भर सकते। और अगर आपके ऊपर सेक्शन 194N लग रहा है, मतलब कि TDS का सेक्शन है 194N, जो कैश विड्रॉल के ऊपर लगता है, तो अगर वो सेक्शन आपके ऊपर लग रहा है तब भी आप ITR 1 फॉर्म नहीं भर सकते। सर ये सारी चीज़ें कहाँ पर मिलेगी, इस बार का जो हमारा जुलाई का एडिशन आएगा मैगजीन का, उसमें हम ये सारे FAQ डालने की कोशिश करेंगे। तो अगर किसी ने मैगजीन सब्सक्राइब ना करी हो तो हमारी मैगजीन को सब्सक्राइब कर लेना। देखो पहली चीज ये समझना, ITR 1 या ITR 4 में पिछले साल और इस बार में कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ। आप सोचो कि बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव है, कुछ भी बदलाव नहीं है, ठीक है, सब कुछ सेम है।
लेकिन यह है कि जब भी हम ITR फाइल करें तो कुछ चीजों को सीख ले, ठीक है। ये ऑप्शन अच्छा होता है, इसमें टाइम तो थोड़ा सा ज्यादा लगता है लेकिन गलतियों के चांस खत्म हो जाते हैं, कि अगर आपने गलती करी है तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो पहले आ रहा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करा, कपिल जैन का डेट ऑफ बर्थ ये वो सब चीजें ठीक है, एड्रेस वगैरह सब चीजें ठीक है। अब यहाँ से आपको खुद सिलेक्ट करना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो यहाँ पर बता देता कि भाई आपकी नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, PSU में है, पेंशनर हो या अदर्स हो, अदर्स मतलब लाला कंपनी, ठीक है। और अगर आपकी नहीं है तो नोट एप्लीकेबल, ठीक है, कुछ भी आप इसमें कर देंगे। क्लियर हुआ, ये ज्यादा टेक्निकल नहीं है। अब आगे आता है फाइलिंग सेक्शन। अब आपको यहाँ पर क्या है, फाइलिंग सेक्शन में बाय डिफॉल्ट इसने अपनी ईमानदारी दिखाई है, 139(1) सिलेक्ट करा है, क्योंकि आप अपनी रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं। तो जब भी कोई रिटर्न अपनी ड्यू डेट से पहले फाइल करता है 139(1) होता है, अगर ड्यू डेट के बाद फाइल करोगे 139(4) आएगा, अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल करोगे तो 139(5) आएगा। ये होता है कि ये रिटर्न आप अपनी मर्जी से भर रहे हो, ठीक है। एक होता है कि आपको कोई नोटिस आया, आप उसके अगेंस्ट भर रहे हो, तो हम तो अपनी मर्जी से भर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर ये चीज लिखी है, ठीक है। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम, अभी हम इसे क्या करते थे, नो, क्योंकि अगर हमने इसे अभी यस करा तो हमारी रिटर्न आगे फाइल नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी हमने 10IE फॉर्म नहीं भरा है, तो अभी हमने इसे क्या कर दिया, नो। क्लियर हो गई मेरी बात है जी। अब यहाँ पर ये क्या पूछता है कि आप जो ये रिटर्न है क्यों भर रहे हो। रिटर्न तीन तरीके से, तीन वजह से भरी जाती है, ये तीन वजह होती है जो आपको दिखाई दे रही है। पहली वजह होती है कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। पहली जो वजह होती है कि अगर भाई हम क्यों भर रहे हैं, कि अगर मेरी टैक्सेबल इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो मैं इसे टिक करूंगा, ये मेरे को मैंडेटरी है, सेक्शन 139(1) कहता है आपको भरनी है। लेकिन मेरी इनकम जो है सिर्फ 1 लाख रुपए, लेकिन मैंने इन तीनों में से कोई एक क्राइम कर दिया, ये क्या है, क्राइम बेस्ड। क्राइम क्या कर दिया मैंने, कि भाई मैंने 1 करोड़ रुपए अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, या मैंने 2 लाख रुपए फॉरेन ट्रेवल पे खर्च कर दिए, या मैंने 1 लाख का इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया। तो अगर आपको यहां पर टिक करना है कि आप किस वजह से भर रहे हो, तीसरी वजह क्या है, मुझे शौक है मैं ऐसे ही फाइल कर रहा हूं, तो हम इसमें से किसे टिक करें, ऊपर वाले को। टैक्सेबल इनकम मीन्स ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम, यहां पर इस बात को समझना, यहां पर विदाउट डिडक्शन की बात करता है टैक्सेबल इनकम, ठीक है, ये लिखा है ना, टैक्सेबल इनकम विदाउट डिडक्शन की बात करता है, ठीक है। लास्ट ईयर 3 ऐड हुए थे ये, हाँ ये लास्ट ईयर हुए थे ऐड, तो मैंने यहां पर क्या भरा ये, ठीक है। जनरली हर किसी का यही वाला केस होता है, ठीक है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा नहीं है तो आप इसे मत भरना, यहाँ पे अदर्स में डालना, किस में डालना, अदर्स में। समझ में आया, अदर्स कब सिलेक्ट करना है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन एग्जेम्पशन लिमिट कब सेलेक्ट करना, ये क्लियर हुआ या नहीं, बोलो। ये दोनों क्लियर हुए, कब कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, हमने क्या करा, कंटिन्यू। चलिए पर्सनल इंफॉर्मेशन पे फिर आए, ठीक है, डिटेल्स, वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल बाय द रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी भाई फादर एक्सपायर हो गए, रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है नहीं, लीगल एयर कर रहा है नहीं, ठीक है, हमने इसे क्या कर दिया, नो, ठीक है। बैंक डिटेल, जो भी हमारी बैंक डिटेल है, ठीक है, यहां पर ध्यान रखना जो भी आपके एक्टिव बैंक अकाउंट्स होते हैं वो उनकी डिटेल यहां पर डालनी पड़ती है, चाहे आपके 3 बैंक है चाहे 4 बैंक है, जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर एक्टिव थे, ट्रांजेक्शन थी, डोरमेंट नहीं थे, एक्टिव थे, वो सारी डिटेल इसमें आपको डालनी पड़ेगी या मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे में हमने डाल रखा है, ठीक है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को नॉट एप्लीकेबल करके हम इसे आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। टैक्स रिजिम में जाना है, नहीं कंफर्म, ये कह रहा प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन अकाउंट, ठीक है, कोई बात नहीं, हम एटलीस्ट एक अकाउंट ऐड कर देते। बैंक अकाउंट डिटेल ऐड कर लेना, सेविंग बैंक अकाउंट, प्राइमरी, IS, IFSC, ठीक है जी, वैलिडेट, ठीक है, हमने बैंक अकाउंट भी ये एक ऐड कर लिया। अब इसमें यहाँ पर इस चीज को ये है कि एक अकाउंट हमारा इसमें जाना चाहिए, अगर एक अकाउंट इसमें नहीं जाता है तो ये हमारे को आगे नहीं बढ़ने देगा और ये बड़ी समस्या आ जाएगी। ये यहाँ पर बैंक अकाउंट दिख गया हमारा, ठीक है, नो, ठीक है, और हमारा ये सिलेक्ट हमने करा इसे,
तो पहला देखिए, पहला हमारा ये कंफर्म हो गया, पहले पोर्टल की एरर थी। अब हम आते हैं जीटीआई पर, ग्रॉस टोटल इनकम वाले पार्ट पर। जैसे ही हम ग्रॉस टोटल इनकम वाले पार्ट पर आएंगे, ठीक है, जैसे ही हम जीटीआई वाले पार्ट पर आएंगे, तो पहली इस चीज को समझना है कि इन्होंने ये चीज क्लियर करी है कि जब भी आप किसी की सैलरी इनकम भर रहे हो, देखो आईटीआर 1 किस वाले केस में काम आएगा, अगर आपकी सैलरी इनकम है, अगर आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है तो आपको ये पार्ट करना है। हम मानकर चल रहे हैं कि हमारे केस में हम जिसकी आईटीआर भर रहे हैं उसकी सैलरी इनकम है, तो सैलरी इनकम में इन्होंने क्या चीज बोली है कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये तीन इनकम की हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर इस चीज को आपको समझना है कि जब आप सैलरी इनकम की बात करते हो तो आपने बहुत सारी सैलरी इनकम की रिटर्न भरी होगी, तो उसके लिए हमारे को फॉर्म 16 होना चाहिए। हम फॉर्म 16 के बेसिस पर हम यहाँ पर डिटेल डालते हैं। तो जो फॉर्म 16 आपको अपने सामने रख लेना है, फॉर्म 16 क्या होता है, जिस भी कंपनी में वो जॉब कर रहा होता है वो कंपनी उसे प्रोवाइड करती है। तो कोशिश करना जिस भी व्यक्ति की आप रिटर्न भर रहे हो उसे ये समझाओ कि भैया फॉर्म 16 आप दे दो। अगर वो फॉर्म 16 दे देता है तो बेटर है, अगर वो फॉर्म 16 नहीं देता है तब भी आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हो। कैसे फाइल करोगे, जितनी उस व्यक्ति की सैलरी है, जितनी उस व्यक्ति की सैलरी आप लिखोगे सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), तो हमने लिखा कि उस व्यक्ति की सैलरी 5 लाख रुपए, हमने उस व्यक्ति की सैलरी लिखी 5 लाख रुपए। अब यहां पर जब आप सैलरी का चैप्टर पढ़ोगे तो सैलरी के चैप्टर में एक होता है वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स का मतलब होता है कि जैसे जो व्यक्ति जॉब कर रहा था उसको उसके एम्प्लॉयर ने घर दिया, गाड़ी दी, घर दिया, गाड़ी दी, ठीक है, तो वहां पर उसे कैश नहीं मिला लेकिन उसे घर मिला। और अगर वो घर किराए पर लेता, अगर वो घर किराए पर लेता तो भी तो पैसे दिए जाते, तो हम इसे क्या बोलते हैं, परक्यूजिट्स। तो जो भी उसकी परक्यूजिट्स की वैल्यू है वो यहाँ पर डाल देंगे। इन जनरल जो छोटी मोटी कंपनी होती है उसमें परक्यूजिट्स की वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी के साथ परक्यूजिट्स भी देती है, और उसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पर्क्स, ठीक है ना। तो जो पैसा हमारे को इन काइंड मिला, जो पैसा हमारे को इन काइंड मिला हम उसे पर्क्स बोलते हैं। जैसे कि लेट सपोज मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूं उस कंपनी ने मुझे कहा है कि हम तुम्हें गाड़ी प्रोवाइड करेंगे, आपको कपिलियन अपनी गाड़ी परचेज नहीं करनी है, हम आपको गाड़ी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर मुझे मेरी कंपनी गाड़ी प्रोवाइड कर रही है तो मुझे इसका बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, हाँ जी बिल्कुल बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि कपिलियन ये गाड़ी जो अगर आप खुद लेते वो आपको कंपनी दे रही है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू पर हम टैक्स लगाएंगे। तो वहां पर जो उसे टैक्स लगाया है वो वहां पर उन्होंने बोला है 50,000 रुपए आपकी परक्सी वैल्यू है, इसलिए हम इसे सैलरी में ऐड कर रहे हैं। इन जनरल जो छोटी मोटी कंपनी होती है वो पर्क्स नहीं देती, ठीक है। इसके बाद होता है प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी। कई बार क्या होता है कि कंपनी बड़े बड़े एम्प्लॉयज को ये बोलती है कि भाई तुम क्या करना, हम ना तुम्हारे को 50,000 तो तनखा दे ही रहे हैं, साथ में जितना हमारी कंपनी का प्रॉफिट होगा हम उसका 2% भी आपको देंगे, ठीक है। तो यहां पर इस वर्ड को क्या बोल दिया जाता है, प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी, ठीक है, कि प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी, सैलरी के बदले में आपको क्या मिला, प्रॉफिट। तो उस तरह का प्रॉफिट भी आपके सैलरी हेड में ही टैक्स होता है, इसलिए यहां पर दिया हुआ है। लेकिन नॉर्मल आईटीआर जब आप फाइल करोगे उसमें ये दोनों चीजें इन जनरल नहीं होंगी फॉर्म 16 में, इसलिए मैंने इन्हें 0-0 कर दिया। क्लियर हो गई मेरी बात। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इस सैलरी के अंदर, ठीक है, अब यहां पर एक चीज आती है कि जो ये मेरी सैलरी है इसमें क्या है, मुझे कुछ अलाउंसेस मिले। जब आप सैलरी का बाइफरकेशन देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूं एक सैलरी की शीट। देखिए जैसे मेरे पास ये क्लाइंट ये सैलरी की शीट देने आया, तो यहां पर इस शीट में क्या लिखा हुआ है, बेसिक सैलरी तुम्हारी है, एचआरए है, कन्वेंस है, अदर अलाउंसेस है। तो यहाँ पर ऐसे ना पूरी बाइफरकेशन होती है, अगर आप इसे रीड कर पा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है पूरी बाइफरकेशन होती है। इस तरीके से सैलरी शीट बनती है, इसी तरीके से फॉर्म 16 होता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ अलाउंसेस मिले हुए। अब अलाउंसेस में क्या हो गया कि एम्प्लॉयर ने क्या बोला कि सैलरी तो तेरी 30,000 थी,
30,000 तेरी सैलरी थी साल की, 3,60,000, लेकिन क्योंकि तू घर से आता है ऑफिस और ऑफिस से घर जाता है और घर से ऑफिस आता है, तो इसके बदले मैं तुझे कन्वेंस दूंगा। मैं तुझे क्या दूंगा? कन्वेंस। तो वो क्या हो गया हमारा? कन्वेंस अलाउंस। तो इस तरीके से जो भी एम्प्लॉयर होते हैं सैलरी के साथ साथ कुछ अलाउंसेस देते हैं। अब वो जो अलाउंसेज होते हैं, तो इन्होंने क्या बोला हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, देखो भाई अलाउंसेज अगर उन्होंने दिए तो कुछ अलाउंसेज को तो हम टैक्स करेंगे और कुछ अलाउंसेज हमारे एग्जेम्प्ट होंगे। कुछ अलाउंसेज क्या होंगे? एग्जेम्प्ट होंगे, और कुछ अलाउंसेज को हम टैक्स करेंगे। तो यहां पर जो भी हमारे एग्जेम्प्ट अलाउंस है, जो भी हमारे एग्जेम्प्ट अलाउंस है, वो यहां पर हम मेंशन कर देंगे, क्योंकि इस सैलरी के अंदर जो 5 लाख की सैलरी है इसके अंदर, ठीक है ना, ये देखो एक अलाउंसेज है हाउस रेंट अलाउंसेज, और मैंने यहां पर हाउस रेंट अलाउंसेज डाल दिया 50,000। तो अब यहां पर इस बात को समझना है कि ऊपर मेरे को जो टोटल सैलरी मिली थी वो मेरे को मिली थी 5 लाख रुपए, लेकिन उस 5 लाख रुपए में से 50,000 रुपए मुझे मिले थे किस चीज के? हाउस रेंट अलाउंस के, जो कि मेरा एग्जेम्प्ट था। तो मैंने यहां पर ऊपर 5 लाख डाला और नीचे 50,000 डाला, तो मेरी जो टैक्सेबल सैलरी हो गई वो कितनी हो गई? 4.5 लाख। इसी तरीके से आपकी जितनी भी सैलरी आती है आपको उसमें ये चेक करना है कि सैलरी कितनी है और उसमें अलाउंसेस कितनी है, ठीक है? और अलाउंसेस अगर जो है उसमें एग्जेम्प्ट कितना है और टैक्सेबल कितना है। तो सर यहां पर ऐसा करो ना, एचआर अलाउंसेस कोई 2 लाख रुपए डाल दो, ठीक है, एचआर अलाउंसेस कोई 2 लाख रुपए डाल दो। तो भैया यहां पर देखो 2 लाख रुपए जैसे ही मैंने डाला, नेट सैलरी 3 लाख आ गई, लेकिन एक वार्निंग आ गई, अलाउंसेस क्लेम्ड एग्जेम्प्ट अंडर 10 इज मोर देन एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, डिटेल प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज रीवेरीफाई। कि तुमने जो ये एग्जेम्प्ट अलाउंसेस डाले हैं ये बहुत ज्यादा डाले हैं, एक बार आप इसे वेरीफाई कर लेना। तो फॉर्म 16 के अंदर ये चीज लिखी जाती है, ठीक है? तो यहां पर हमें अलाउंसेस डालने हैं जो हमारे एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसे चेक कर लेना कि वो प्रॉपर एग्जेम्प्ट है या नहीं। अब हमारे आगे 4.5 लाख रुपए। अब यहां पर इस बात को ध्यान रखना कि सैलरी के चैप्टर में हमें डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ले लोगे तो आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये बात आपको समझनी है, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने ओल्ड टैक्स रिजीम लिया है इसलिए हमें ये डिडक्शन मिली है। तो अब हमारी इनकम चार्जेबल कितनी हो गई? 4 लाख रुपए। कितनी हो गई? 4 लाख रुपए। अब बात आती है कि भाई इसके साथ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब यहां पर इस चीज को समझना कि सैलरी वालों को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का क्यों दिया जाता है। भाई ऐसा है, मैंने ना घर लिया हुआ है, घर जो मैंने लिया हुआ है वो मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब उस घर में मैं खुद रहता हूं। भाई जब घर में खुद रहता हूं तो इनकम तो नहीं आ सकती, लेकिन भैया वहां से मेरा लॉस आ सकता है। लॉस कैसे आ सकता है? मैंने जब घर लिया था तो गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने मुझे बोला था कि कपिल जैन तुम घर लो। मैंने कहा पैसे नहीं, उसने कहा लोन लो। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया, मैंने इंटरेस्ट कितना दिया? 50,000 रुपये। मैंने इंटरेस्ट कितना दिया? 50,000 रुपये। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला हुआ है हाउस प्रॉपर्टी हेड में कि अगर तुमने 50,000 रुपये का इंटरेस्ट दिया है तो ये हम तुम्हारा लॉस मान लेंगे। ये हम तुम्हारा क्या मान लेंगे? लॉस मान लेंगे हाउस प्रॉपर्टी में। तो हाउस प्रॉपर्टी में 50,000 का लॉस हो गया और सैलरी में कितनी है? 4 लाख। तो अब मेरे पे टैक्स कितने पे लगेगा? नेट इनकम पे। किस पे लगेगा? नेट इनकम पे, ठीक है? तो अगर मेरी एक हाउस प्रॉपर्टी है और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मुझे उसकी डिटेल यहां पर डालनी है, ठीक है? अगर वो मेरी रेंटेड प्रॉपर्टी होती तो मुझे रेंट से कितनी इनकम आ रही है वो डालता, और मैंने उस पर कितना इंटरेस्ट दिया है वो डालता। अब उसके बाद क्या है यहां पर? उसके बाद यहां पर एक कॉलम दिया हुआ है एग्जेम्प्ट इनकम का। अब एग्जेम्प्ट इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हर व्यक्ति की होगी, लेकिन इन्होंने यहां पर टैब फॉर्म में दी हुई है। कैसे दी हुई है? डू यू हैव इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया? मैंने कहा यस। उन्होंने कहा अमाउंट बताओ, तो मैंने डाल दिया अमाउंट 20,000। ओके उन्होंने मेरे से पूछा डू यू हैव इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, ठीक है, इन बैंक, पोस्ट ऑफिस, मतलब आपका एफडी पे कोई इंटरेस्ट है क्या?
मैंने कहा यस, उन्होंने बता दिया 10,000। डू यू हैव ए फैमिली इनकम, मैंने कहा नो। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, अलग अलग कॉलम बता दिए इन्होंने। मैंने कहा नो। एनी अदर, मैंने कहा यस। एनी अदर मतलब हमने किसी को ब्याज पे पैसा दे रखा है, ठीक है ना, अपने दोस्त को दे रखा है, किसी को दे रखा है, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। डू यू हैव ए डिविडेंड इनकम, मैंने कहा यस। क्या तुमने किसी कंपनी के शेयर लिए हुए जिसमें डिविडेंड इनकम है, यस। इन्होंने कहा क्वार्टर वाइज बताओ। तो यहाँ पर आपको जो डिविडेंड इनकम है अपने बैंक अकाउंट में चेक करना है, अप टू 15 जून तक कितने आया था, मैंने कहा 500 रुपए डिविडेंड आया था। 16 जून से 15 सितंबर तक कितना आया था, मैंने कहा 500 रुपए तब आया था, ठीक है। ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि कई बार एडवांस टैक्स इसी के बेस पर जमा होता है। तो जिस जिस पीरियड में तुम्हारा डिविडेंड होगा, आप वो डिविडेंड इनकम यहाँ पर डाल दोगे। तो 2,200 रुपए मुझे टोटल डिविडेंड आया है, मैंने वो डाल दिया। डिविडेंड इनकम आपको पता होगा ना, डिविडेंड इनकम क्या होती है, जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो वो आपको डिविडेंड इनकम देता है। तो ये सारी चीजें अपने क्लाइंट से पूछनी है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस डाल दिया हमने, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिविडेंड इनकम डाल दी, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट डाल दिया, बैंक डिपॉजिट्स डाल दी, एनी अदर डाल दिया। क्लियर है, बोलो यहां तक। इसके बाद है एग्जेम्प्ट इनकम। भाई ये ना एग्जेम्प्ट इनकम जरूर डालना। जरूर डालना का मतलब क्या है, अगर आपके क्लाइंट के केस में एग्जेम्प्ट इनकम है तो जरूर डालना। एग्जेम्प्ट इनकम कैसे होती है, सर ऐसा है मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया है, मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया है। अब वो जो गिफ्ट दिया है वो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गए, वो 10 लाख 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गए, तो अगर मैं उसे एग्जेम्प्ट इनकम में शो नहीं करूंगा तो कल को मुझे दिक्कत आ जाएगी। तो जो भी आपकी एग्जेम्प्ट इनकम होती है वो यहां पर डाल दो। मैंने लिख दिया कि गिफ्ट फ्रॉम मदर, क्या लिख दिया मैंने, गिफ्ट फ्रॉम मदर, ठीक है। ये एग्जेम्प्ट इनकम कभी भी हमारी इनकम टैक्स का पार्ट नहीं बनता है, ठीक है, 10 लाख रुपए, लेकिन ये डालना जरूरी है। कल को आपसे पूछ सकता है कोई भी व्यक्ति कि भाई ये तुम्हारे पे 10 लाख रुपए आए थे कहां से, अब बताओ। इसे कंफर्म कर दूं, कंफर्म कर दूं, हाँ सर कंफर्म कर दो। तो हमारे दो स्टेप क्लियर हो गए, हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन भर दी और हमने जो हमारी जीटीआई थी ग्रॉस टोटल इनकम वो हमने दिखा दी 4,02,200। अब चलते हैं हम डिडक्शन पे। भाई ये डिडक्शन बड़े कमाल की चीज है। डिडक्शन क्या है आपको सबको पता, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन। अगर आपने डोनेशन दिया है, भाई मान लो मोदी जी को पैसे दिए हो, ठीक है ना, अभी मोदी जी कह रहे थे ना भाई डोनेशन दो, डोनेशन दो, केजरीवाल को दियो, तो इसे यस कर देना, अदरवाइज नो। अगर आप इसे यस करोगे तो कह रहा है 80G का एक शेड्यूल है वो फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। हमने कहा नहीं भाई हमने कोई डोनेशन वोनेशन नहीं दी। उसने कहा अगर तुमने कोई डोनेशन दी है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, नहीं भाई साहब हमने ऐसी भी कोई डोनेशन नहीं दी। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। अब भाई 80GG क्या होता है कई लोगों को नहीं पता। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, किताबें मत खोलो यहां से पढ़ लो। इन्होंने क्या बोला है कि अगर, ठीक है ना, अगर आपने एचआरए का बेनिफिट नहीं ले रहे हो और आपने रेंट पेड किया है, जैसे लेट सपोज क्या करो, मेरी अदर इनकम है, मेरी इंटरेस्ट इनकम है मेरी मदर की 5 लाख रुपए, लेट सपोज 5 लाख रुपए मेरी मदर की अदर इनकम है, वो जॉब तो करती नहीं है, क्या उन्हें एचआरए का बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन वो रेंट पर रहती है, वो क्या कहती है, रेंट पर रहती है, तो क्या उन्हें 80GG मिल जाएगी, बोलो चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, 80GG मिल जाएगी मेरी मदर को, बिल्कुल मिल जाएगी। तो जो भी आपके पास क्लाइंट आता है, जो अपनी अदर इनकम डालता है, जो अपनी बिजनेस इनकम डालता है, उससे पूछो कि भाई क्या तुम्हारा अपना घर है, वो कहेगा नहीं, तो उसे 80GG दिलवाओ। क्या दिलवाओ उसे, 80GG दिलवाओ, ठीक है, अगर वो रेंट पेड करता है। तो 80GG आप इंपोर्टेंट मार्क कर लो। ये डिडक्शंस, भाई डिडक्शन का मतलब क्या है, जितनी ज्यादा डिडक्शंस होगी उस व्यक्ति का टैक्स उतना कम होगा, तो 80GG उसे दिलवा दो। क्या है, इफ यू डू नॉट हैव रिसीव एचआरए यू मे क्लेम बेनिफिट ऑफ रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड, हाउएवर बोथ एग्जेम्पशन फॉर हाउस रेंट अलाउंस एंड डिडक्शन फॉर रेंट पेड कैन नॉट बी क्लेम। क्लियर हुआ 80GG। हमने कहा हाँ सर हमें 80GG दो, ठीक है। वो कहता कितना अमाउंट, मैंने कहा 7,000 रुपए की दो, इसकी एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा नहीं मिलती। लिखा हुआ है यहाँ पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 13(10)(10) कैन नॉट बी क्लेम फॉर द सेम पीरियड, क्योंकि मैं एचआरए लेकर आया हुआ हूं तो इसने मुझे यहां पर मना कर दी। क्लियर है, तो यहां पर मैंने इसे नो कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद
इसने कहा 80C लेना चाहते हो क्या, 80C तो हर व्यक्ति को पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो वो पूछता है 80C में कितना अमाउंट है, मैंने कहा भाई 80C में मेरा 75,000 का अमाउंट है। 80C किस चीज के लिए, पूरा पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ लेना भाई, LIC हो गई, PPF अकाउंट हो गया, ठीक है, लिमिट 1.5 लाख रुपए भाई 80C की, ठीक है, लिमिट 1.5 लाख रुपए और 80GG की आई थिंक 5 या 6 हजार रुपए पर मंथ है, ठीक है, ये भी चेक कर लेना 80GG, ठीक है। चलिए 80CCD वो मेरे केस में आ गई, 80D किसके लिए होती है, मेडिक्लेम के लिए। तो इन्होंने कहा अगर 80D लेना है तो उसके लिए एक अलग से शेड्यूल है, तब फिल करना। मैंने कहा छोड़ो 80D नहीं लेते, 80E अगर मैंने कोई हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो उसके लिए है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, मैंने कहा नहीं, अगर यस करना है तो यस कर दो, नो करना है तो नो। यस करोगे तो डिडक्शन टाइप आपकी कई तरह की डिडक्शन आ जाएगी, जैसे 80EE, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो जो भी आपकी डिडक्शंस है, जो भी आपकी डिडक्शंस है, जैसे मेरी 80TTA इंटरेस्ट की डिडक्शन, भाई सेविंग अकाउंट में मुझे इंटरेस्ट आया था तो मैंने उसकी डिडक्शन ले ली, कितने रुपए तक की ले ली, 10,000 रुपए तक की। तो जो भी हमारी डिडक्शंस है वो हम यहाँ पे क्लेम कर लेंगे। डिडक्शन 80TTD इज मोर देन डिडक्टेबल अमाउंट प्रोवाइड एम्प्लॉयर, प्लीज रीवेरीफाई। आप जितना इंटरेस्ट आप यहाँ पर डालोगे जो आपने सेविंग में लिया, उससे ज्यादा की डिडक्शन नहीं ले सकते। तो मैंने यहाँ पर 5,000 ही डाल दिया, ठीक है, या 1,000। तो भाई अगर आप गलती से ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर लेते हो, कल को आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो सकती है, कल को आपको नोटिस आ सकता है, ठीक है। तो इस बार ये डिडक्शन इस तरीके से दे रहे हैं, हमने इसे क्या कर दिया, कंटिन्यू। तो हमने डिडक्शन भी फाइल कर ली, 80C में कितनी मिल गई हमें, 75,000, 80CG में मिल गई है ना, अमाउंट ऑफ रेंट पेड, ये सारी 80TTA में मिल गई हमारे को, क्लियर है। अगर हमारे को कोई भी डिडक्शन 80D में लेनी है, यहाँ पर डाल सकते हैं। 80G के लिए डोनेशन के लिए अलग दे रखा है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए अलग दे रखा है, ठीक है। तो हमें और कोई डिडक्शन यहाँ पर नहीं लेनी, तो हम इसमें यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है जी। आगे चले, कंटिन्यू करें, तो इन्होंने बोला कि तुमने 1,31,000 की डिडक्शन ले ली, ठीक है। अब ये ना खामा खाई कह रहा है कि भाई तुम्हारा जो एम्प्लॉयर है उसने तो फॉर्म 16 में ऐसी कोई डिडक्शन नहीं दिखाई और तुम डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहां पर ये ध्यान रखना, जो आपकी फॉर्म 16 में डिडक्शन हो उतनी ही डिडक्शन ले, अगर ज्यादा डिडक्शन है तो अपने एम्प्लॉयर को बोले कि भाई हमारे फॉर्म 16 में हमारे डिडक्शन को डाले, ठीक है, नहीं तो कल को नोटिस आने के चांस हो जाएंगे। कंफर्म कर दिया, कंफर्म करने के बाद इन्होंने कहा टैक्स पेड, इन्होंने हमारे 26S से निकाल लिया कि तुम्हारा 20,000 रुपए टैक्स पे हो रखा है, ठीक है, 20,000 रुपए टैक्स पे हो रखा है। अब यहां पर आ गया डाउनलोड JSN, क्या आ गया, डाउनलोड JSN, जो भी हमने फाइल बनाई है इसे आप डाउनलोड कर सकते हो JSN में, इन फ्यूचर में आप उसे देख सको, इन फ्यूचर में आप उसे देख सको। तो ये JSN फाइल डाउनलोड हो गई, कल को अगर ये JSN आप यूटिलिटी में भी जाते हो, हमने दो तरीके से रिटर्न फाइल करने की बात करी थी ना, एक तो ऑनलाइन, एक यूटिलिटी से। यूटिलिटी में जाकर ये JSN फाइल खोलोगे तो जितना फॉर्म हमने भरा हुआ है वो फॉर्म इसके अंदर चला जाएगा। हाउ टू डाउनलोड 26S अभी बता देता हूं। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D में डिडक्शन मिलती है, ठीक है ना, उसकी लिमिट्स है, आप अपने लिए अपनी फैमिली के लिए ले सकते हैं। चलिए अब यहां से हमारा ये क्लियर हो गया, अब हम इसे क्या कर देते हैं, अगला प्रोसीड्स, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया, टैक्स पेड पर क्लिक करते हैं। टैक्स पेड हमारा पहले से ही एडवांस टैक्स 20,000 का जमा है, अगर कोई हमारा TDS वगैरह जमा होगा उसकी डिटेल यहाँ पर ऊपर आ जाएगी, और अगर आप इसे मैन्युअली फिल करना चाहते हैं तो आप इसे फिल भी कर सकते हैं, लेकिन वो 26S से ऑटोमेटिकली उठकर आ जाएगा। हमने इसे भी कंफर्म कर दिया, और इसे कंफर्म करने के बाद लास्ट में क्या आ गया, टोटल टैक्स लायबिलिटी। टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी कितनी निकल कर आई, जीरो, और हमने कितना टैक्स जमा कर रखा है, 20,000 रुपए। हमने कितना जमा कर रखा है, 20,000 रुपए, तो ये हमारा 20,000 रुपए यहां से रिफंड होकर आ जाएगा, ठीक है जी। प्रोसीड कर दे, ठीक है। तो ये हमारी पूरी समरी निकल कर आ गई कि 4,02,000 की इनकम है, डिडक्शन 1,31 की है, नेट इनकम 2,71 की है, तुमने 20,000 का टैक्स पे किया है, ये रिटर्न समरी तुम्हारी है। अगर तुम्हें रिटर्न का प्रीव्यू देखना है तो तुम्हारी रिटर्न्स का प्रीव्यू भी तुम्हारे को मिल जाएगा, और बस यहां पर सिलेक्ट करना आई कपिल जैन डॉटर ऑफ दिस,
और यहाँ पर सबमिट कर देना तो आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी।